We have seen during the studies of transformer with the help of equivalence circuit, हम क्या करते हैं पूरे resistances और reactances transformer की primary और secondary winding के निकाल लेते हैं, चाहे वो referred to primary हो चाहे referred to secondary हो. Then we have seen from the phasor diagram इसके voltage की rating और power factor angle primary और secondary side के भी we can check. Then efficiency, regulation are also there by the equation which can be calculated. पर अब इश्यू ये है प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर पर हम क्या करें कि इन सब को हम कैलकुलेट कर पाए, मेजर कर पाए या इनसे हम परफॉर्मेंस के बारे में और एनालिसिस कर सके. तो इस पर्पस से ट्रांसफॉर्मर पर कुछ टेस्ट परफॉर्म होते हैं. दे आर लाइक ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट विच आर मोस्ट कॉमन. शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस चेक कर पाते हैं. इसके अलावा ओपन सर्किट टेस्ट से हम इसका कोर लॉस, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर में लॉसेस हो रहे हैं उसको कैलकुलेट कर पाते हैं और कॉपर लॉसेस भी हम चेक कर पाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से. तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस इन दोनों सर्किट टेस्ट से कैलकुलेट कर पाते हैं. इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर में एक और जो इश्यू आता है वो हीट लॉसेस का, जो इन दो टेस्ट के साथ पॉसिबल नहीं है. इसलिए थर्ड टेस्ट जो ट्रांसफॉर्मर पर प्रैक्टिकली होता है दैट इज संपनर्स टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक्चुअली लोडेड ट्रांसफॉर्मर. फुल लोड तक उसको सिमुलेट करें या फुल लोड तक डायरेक्टली लोड करें तो हम ट्रांसफॉर्मर के हीट लॉस के बारे में भी ज्यादा एक्यूरेटली बात कर सकते हैं. हम इन सब टेस्ट को एक के बाद एक एनालाइज करते हैं हाउ टू परफॉर्म देम एंड हाउ टू कैलकुलेट दी पैरामीटर्स.